केडी भाई गिर चुका है यहाँ पे। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो राइड होने वाली है वो होने वाली है पानीकोट लेक पे, और जो कि हरियाणा में, और जो कि लोकेशन है ना वो बहुत ही मस्त है, क्योंकि हम जंगलों के बीच से जाएंगे। बल्लभगढ़ और सोना के बीच में ही पड़ता है मतलब, और काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है वहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे, और जस्ट अभी हम खड़े हुए हैं G2 पे, और जो कि एम्बियंस के सामने। और यहाँ पे GS पाजी आ चुके हैं अपनी सुपर कार के संग, और बाकी बाइक भी आई है। अलग ही लग रही है, बहुत मस्त। हाँ पोश। स्टीयरिंग व्हील देखो कैसा है, अलग ही लग रहा है स्टीयरिंग व्हील तो, बहुत ही गजब। और अलग ही पूरे मस्त सा डैशबोर्ड बना रखा है, और ओपन है सनरूफ देखो अलग ही। और GS पाजी भाई वहाँ खड़े हुए हैं, फोटो शूट कर रहे हैं। अंकित अंकित है वो दिखा रही है 41 मिनट्स यहाँ से, और जो कि 35 किलोमीटर्स है। और अभी जो बज रहा है टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है 7:43 मतलब 7:43 हो रहे हैं। और स्कूटी की सर्विस भी ड्यू है यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा आइकन आ रहा है, तो स्कूटी की सर्विस भी कराएंगे इस राइड के बाद। और चलते हैं अभी सीधे अपने डेस्टिनेशन पर। और जो लोकेशन रहने वाले हैं बिल्कुल जंगलों से बीच में, विलेज भी आएंगे, मतलब अलग ही एक्सपीरियंस होगा आज की राइड में। तो देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस मिलता है हमें, और क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं आज। और जो कि पानीकोट लेक है वो हम मिनी लद्दाख भी कहते हैं, मिनी लद्दाख, क्योंकि जो वहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं और बिल्कुल उसी का फील आता है पहाड़। गाइस, मुझे अभी से यहाँ पर जंगल दिखना शुरू हो चुका है, और हमारे अगल बगल जंगल ही लग रहा है पूरा। और तो गाइस, अभी सीन हो चुका है, ये जो है वो गिर रहा था, और वैसे ही आगे लग चुका है विकेडी भाई की स्कूटी में। देखते हैं क्या सीन तो नहीं हुआ है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, मतलब कुछ भी नहीं हुआ है, बस यहाँ पे हल्का सा लग गया है। अलग ही सीन हो चुका है यहाँ पे, जैसे कि गाड़ी जाती है ना स्कैन करके, और फिर वो नीचे गिरता है पाइप सा। तो इन्होंने रैप लगा रखा है यहाँ पे, तो इसकी वजह से कुछ हुआ नहीं है। तो गाइस, फाइनली जो व्यू आ रहा है आगे का अलग ही, मतलब यहाँ से दिख रहा है जंगल ही जंगल दिख रहा है यहाँ से सामने से, और अगल बगल जंगल थी, और पीछे थोड़ा सा ऐसा था कि वहाँ पे आवाज़ भी आ रही थी बिल्कुल जंगल टाइप, और यहाँ भी आ रही है जंगल टाइप आवाज़ जो होता है ना,
मतलब इंसेक्ट्स की आवाज़ होती हैं जो भी, जैसे हम जंगल में जाते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं जैसी आवाज़ वैसी आवाज़ जस्ट पीछे आ रही थी। और अभी हम पक्का ही एंटर होने वाले हैं जंगल में, और अभी तो ये सीमेंटेड रोड है कुछ, और थोड़ा फिर हमें कच्चा ही रोड मिलेगा और वहीं चलना पड़ेगा हमें कच्चे रोड पे। तो गाइस व्यू चेक करो यहाँ से, और भाई यहाँ का रास्ता बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पहाड़ों पे आ गए हैं, और अभी हम नीचे उतरेंगे आराम आराम से। और जो सामने का व्यू है वो तगड़ा ही व्यू लग रहा है, यहाँ से सब गांव दिख रहे हैं। और देखो गाइस फुल यहाँ पे तो स्कूटी देखते खड़ी हो पाएगी नहीं, क्योंकि ढलान है, हो गई है खड़ी। तो आपको व्यू दिखाते हैं, ये देखो व्यू चेक करो गाइस, यहाँ से पूरा स्लाइड है, और व्यू चेक करो, इतने घर दिख रहे हैं यहाँ से, मतलब पूरा ही ऐसा मनाली टाइप का या हिमाचल प्रदेश जो होता है ना पहाड़ टाइप में वही। और यहाँ पहाड़ है पीछे, और यहाँ घर है छोटे छोटे। और अभी हम ऐसी कुछ ढलान से नीचे उतर रहे हैं। तो गाइस यहाँ हम एंटर कर चुके हैं एक गांव में, जो कि बिल्कुल गांव ही है, देखते हैं कि कौन सा गांव है ये, हमें तो पता नहीं है। जहाँ तक ये मांगर है, मांगर गांव है ये शायद। और यहाँ पे ऐसे ही रास्ते मिलेंगे छोटे छोटे, यहाँ से पहाड़ आना शुरू हो गए हैं। देखो यहाँ पे एक पहाड़ है, और ये बाइकर वहीं से आ रहे हैं पानीकोट लेक से। देखो अभी बिल्कुल बहुत ही मज़ा आने वाला है। देखो पहाड़ी पहाड़, यहाँ पे गाँव में आ चुके हैं, आपको देख सकते हैं जैसे कि उपले का घर बना रखा है, इसे कुछ कहते हैं गाँव में बट मेरे को नहीं पता, उपले का घर ही बोलते हैं, कंडे का, उपले कंडे का। देखो गाइस पूरा कितना मस्त बना रखा है कंडे का, और बिल्कुल ये गोबर का होता है। और अभी हम बिल्कुल ही गाँव में आ चुके हैं, आपको पक्का ही पता चल गया होगा। देखो यहाँ भैंस वैंस बांध रखी है, और यहाँ पे देखो होते ना जैसे कि मेरे गाँव में भी ऐसी है अभी तो देखो। और अभी हम इस रोड से चल रहे हैं, इसमें मतलब काफ़ी जगह हैं जो सही रोड है और कुछ कुछ ख़राब रोड है। तो गाइस यहाँ से कच्चा रोड स्टार्ट हो चुका है, और देखो पूरा धूल धूल उड़ा के, वाइज़र बंद कर लेते हैं, वाइज़र बंद कर लिया, और चलते हैं बिल्कुल ही अलग ही। ओ भाई गिर गया भाई, विकेडी भाई गिर चुका है यहाँ पे। विकेडी भाई आराम से भाई, विकेडी क्या कर रहे हो हैं, अभी तो घुसे भी नहीं है, तुम तो यहीं पे फैल लो। पता नहीं गाइस, और यहाँ पे कुछ है भी नहीं ज़्यादा, थोड़ा मड्डी मड्डी है मतलब, तो पता नहीं क्या करा भाई ने, और थोड़ा रैप उतर गया है। नहीं कच्चा रास्ता है, और इसमें ना मिट्टी बहुत है, तो टायर स्लिप कर रहा है, तो उन्होंने क्या करा एकदम झटके से आगे वाली ब्रेक दबा दी, और मेरा भी टायर स्लिप कर रहा है पीछे वाला। देख के भाई पीछे धूल उड़ा दोगे। ओ भाई यार क्या कर रहे हो तुम, बे मतलब में कहीं और करना। चलो यहाँ पे हमने लिफ्ट दे दी है, देखो गाइस अलग ही स्लिप कर रही है, क्योंकि इनके टायर होते हैं छोटे और ज़्यादा ग्रिप भी नहीं होती। और यहाँ पे तो चलेगी डर्ट बाइक, अलग ही ऑफ रोडिंग का मज़ा आएगा। और देखो
आ चुके हैं झील के पास और हम खड़े थे वहाँ पे ऊपर को ऊपर वहाँ पे और यहाँ पे आ चुके। हमने उतार तो दिए लेकिन हमें पता नहीं है कि चढ़ेगी कैसे। हाँ